ये भूत लोग आखिर इतने आसानी से रिटायर कैसे हो गए? मुझे दाल में पक्का कुछ न कुछ काला लग रहा है। वैसे ये सब छोड़ो और तुम लोग ये बताओ कि इस घर में टीवी कहाँ है? एक्शन कमिंग का शो आने वाला है और मुझे वो देखना है। अरे क्या ये कौन है? अरे बाप रे, ये चुड़ैल कौन आ गई? अरे अरे क्या हुआ सिंचन, क्या हुआ क्या हुआ? तू ठीक तो है ना सिंचन? हाँ कोई भूत देख लिया क्या सिंचन तुमने? हाँ पेनीवाइज हम ही भूत हैं। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। मैंने अभी अभी इस खिड़की के बाहर एक चुड़ैल को देखा है और वो बहुत ही डरावनी थी दोस्तों, बहुत ही डरावनी। लगता है कि सिंचन मोमो की बात कर रहा है। दोस्तों यार, हमें उस मोमो को कुछ भी करके जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना हमारा सिंचन खतरे में पड़ सकता है। हम उस मोमो को हमारे सिंचन को किडनैप करने नहीं दे सकते। कुछ करो यार घोष कम्युनिटी, मेरे सिंचन को प्लीज बचा लो। अरे टेंशन क्यों लेते हो, फ्रैंकलिन पेनीवाइज यहाँ पर है ना? तुम यहाँ पर हो इसी बात की तो टेंशन है। अबे तूने क्या कहा ग्रानी? आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी हमें सिंचन को एक सेफ जगह ले जाना होगा जहाँ पर वो मोमो कभी भी सिंचन को ढूंढ नहीं पाए। हाँ तो चलो जल्दी करो दोस्तों, इससे पहले कि वो मोमो वापस ना आ जाए। चलो सिंचन चलते हैं यहाँ से। सिंचन अभी सिंचन का चला गया? अभी जो सिंचन यहीं पर था, सिंचन कहाँ चला गया यार? मुझे पूरा एक ही मैंने उस मोमो चुड़ैल को यहीं पर देखा था। मोमो तेरी तो कहाँ छुपके बैठी है, जल्दी से आ जाए। मेरा नाम सिंचन नोहरा है और मुझे कोई भी किडनैप नहीं कर सकता है। पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ चली गई। ओए मोमो कहाँ है तू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मोमो, कहाँ है तू? चली आ जाए मेरे सामने। अरे तेरी तो ये सिंचन का बच्चा तो खुद पहले बार चल के आ गया। अरे वाह चलो अच्छी बात है, अब मैं सिंचन के बच्चे को किडनैप कर दूंगी। मोमो कहाँ छुपके बैठी है, जल्दी से मेरे सामने आ जाए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम सिंचन नहर है। मेरे फ्रेंकी बेट डरपो के बारे में बहादुर हूँ। मैं तुझे एक ही एक्शन कामिन की किक में तुझे हरा दूंगा। दिखाऊं के एक्शन कामिन भी कहीं कहा चली गई, ये तो आई नहीं रही। ये तो खुद को कुछ ज्यादा ही ताकत में समझ ले। अब मैं छुपके से जाकर इस सिंचन के बच्चे को बेहोश कर दूंगी। उसके बाद ग्रैनी पेनीवाइज और इविलन इंप्रेस हो जाएंगे और वो वापस से कोस कम्युनिटी में आ जाएंगे। मोमो कहा तुम छुपके कहा बेटी हो? अले बापले लगता है कि वो उधर देख रहे हैं। ओके तो छुपके जाती हूँ, उसे मारती हूँ। ओके तो आला मरम से पता नहीं कि मोमो की चुड़ैल चुपके कहाँ चली गई। लगता है कि मुझसे डर के भागी गई होगी। अले वाह मैं हूँ इतने ताकतवर। वैसे दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और हो सके तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, इससे मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। पीछे तो देखो सिंचन आ रही है। अरे बाप रे चक्कर आ गई, किसने मारा मुझे? अरे बाप रे मर गई। सिंचन को तो मैंने माल दिया, अभी फटाफट से लेके चलते हो हमारे खुफिया अड्डे में। मुझे आ गया, आ जा सिंचन मेरे पास और ये भागो भागो भागो, मैंने इस दुनिया के सबसे सलालती बच्चे को किडनैप कर लिया। अरे बाप रे मोमो तेरी तो छोड़ो मुझको, मुझे जाने दे यहाँ से, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे लगता है कि इसको होश आ गया। मेरे फ्रेंकी भैया तुझे छोड़ेंगे नहीं, मोमो छोड़ दे मुझको। मैंने चढ़ने वाली, जा क्या कर लेगा? वैसे कर तो कुछ नहीं पाऊंगा मैं। तो क्यों बोल रहे हो इतना है? अरे छोड़ देना मुझको प्लीज। नहीं छोड़ूंगी जा। अच्छा ओके ओके मत छोड़ो पागल की। मजा आ गया मजा आ गया। मुझे तो ये लगता है कि उस मोमो ने सिंचन को किडनैप कर लिया होगा। ओ नो, अरे बाप रे फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी हम हमारे सिंचन को कैसे बचाएंगे? मोमो पक्का सिंचन को उसे खुफिया अड्डे में लेके गई होगी और उस मोमो के खुफिया अड्डे का एड्रेस मुझे पता है। अरे वाह पेनीवाइज कमाल कर दिया तुमने, अब हमें सिंचन मिल जाएगा। अरे तो हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं? जल्दी से चलो सिंचन को बचाने के लिए। अरे हाँ हाँ चलो चलो सिंचन यार, मेरे भाई तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम घोस्ट कम्युनिटी मिलकर तुझे बचा ही लेंगे। मोमो चुड़ैल कहेगी तू तो मरेगी, जल्दी से बैठो गाड़ी में दोस्तों। खुल जा दरवाजा। अरे वो मेरी महंगी गाड़ी थी। अच्छा वो कांच तोड़ दिया। चुप बैठ तेरी तो पेनीवाइज कह के। आपस में झगड़ा करना बंद करो गधो। वैसे पेनीवाइज यार तुझे पक्का ये कह देना कि उस मोमो का खुफिया अड्डा कहाँ पर है? अरे हाँ फ्रैंकलिन मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो, जल्दी से जहाँ मैं बोलूँ वहाँ लेके चलो। हाँ ओके ओके तो चलता हूँ और ये स्टार्ट चलो चलो जल्दी चलो। सिंचन हम लोग आ रहे तुझे बचाने के लिए, आज हम उस मोमो चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं सिंचन। वो मोमो गधे कह के तो आज मरेगी। उसे ये लगा था कि सिंचन को किडनैप करके वो हमें इम्प्रेस कर देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम ही उस मोमो को मारने के लिए जा रहे हैं उसके खुफिया अड्डे में। पेनीवाइज जरा ही अपनी बब्बक करना बंद करो। पेनीवाइज का डेड बॉडी। चुप रे ग्रैनी पागल तेरी तो। अरे यार मैं भी किन नमूनों के साथ फंस गया, पता नहीं कि मैं इनके साथ सिंचर को बचा भी पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। और ये नीचे गिर गया, नहीं 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 बच गया। अरे बाप रे ब्लास्ट हो गया और ये बच गया यार, ओ माय गॉड। अरे यार फ्रैंकलिन जरा ध्यान से चलाओ कार को। अरे हां हां सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। और ये बच गए यार, बाय बाय बच गए। सिंचन हम आ गए मेरे खुफिया अड्डे में, इसी लैब में मुझे बनाया गया था और इसी लैब में मैं तुम्हें माल डालूंगी।
अरे मोमो तेरी तो तुझे शर्म नहीं आती? एक प्यारे से छोटे से 5 साल के बच्चे को तुम मारने की कोशिश कर रही हो? चुप करो सिंचन, तुम प्यारे नहीं हो, मुझे पता है कि तुम बहुत छलती हो। अरे बाबरे, अब इसे कैसे पता चला है? मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने ग्रैनी पेनीवर्स और इविलन को बहुत ही तंग किया था और तुम्हारी वजह से उन्हें बार बार हेल में जाना पड़ा। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। उसके बाद ग्रैनी पेनीवर्स और इविलन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोमो तुम तो पूरी पागली हो। अभी ग्रैनी, इविलन और पेनीवर्स अभी अच्छे बन चुके हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये तो जल्दी पता चल जाएगा सिंचन कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे या मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे। इस गधी के बच्चे का तो कुछ समझ नहीं आता है। तो चलो सिंचन, तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, बाय बाय बोल दो सबको, ओके? अरे नहीं नहीं, मुझे फेंको मत, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ये तो और भी अच्छी बात है। मोमो प्लीज मुझे मत फेंको पानी में। सॉरी पर इसके लिए बहुत ही देर हो चुकी है, अब तुम मानोगे। ये लो फेंक दिया, पर मैं फेंक दिया पानी में। अरे बाप रे, इस सिंचन के बच्चे के तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस पागल को। सिंचन कहा है तू? तेली तो तेली वजह से मैं पानी में गिर गया सिंचन, तेली तो। अरे बाप रे, मैं तो डूब रहा हूँ। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझको फ्रैंकलिन भैया, ऐसे तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। अरे बाप रे, मर गए मर गए। ओके, तुम लोग फाइनली पहुंच चुके मोमो के खुफिया अड्डे में। थैंक यू पेनीवर्स, हमें रास्ता दिखाने के लिए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भूल गए कि फ्रैंकलिन मैं अच्छा बन चुका हूँ। अब देर मत करो फ्रैंकलिन, जल्दी से ढूंढते हैं सिंचन को। ओके ओके, तो चलो आराम आराम से। और बाप रे, ये जगह तो बहुत ही खतरनाक लग रही है और बहुत ही अजीब भी। वैसे दोस्तों, ये जगह कौन सी है? असल में इसी जगह में एक्सपेरिमेंट करके उस मोमो को बनाया गया था। कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए मोमो भूत बन गई। ओ अच्छा, तो फिर ऐसी बात है, मतलब ये मोमो सचमुच के भूत नहीं है? हाँ, पर वो सब तो ठीक है। और बाप रे, कितनी बड़ी जगह यार, तो खत्म ही नहीं हो रही। और ये हमारे नीचे क्या है? और छोड़ो इस बात को। और मोमो, तेरी तो कहाँ है तू? हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंचन को किडनैप करने की? हाँ, मेरे साथ अभी तेरे सारे दोस्त है, पेनीवाइज, ग्रैनी, इविलन सब मेरे साथ है। तू हमारा कुछ भी नहीं उकड़ पाएगी मोमो, जब से मेरे सिंचन को वापस कर दे। और कहाँ गई ये मोमो? अरे कहाँ गई? अरे यही मोमो तेरी, तो आखिरकार तू हमें मिली गई मोमो। अरे वाह पेनीवाइज, ग्रैनी, इविलन, तुम सब भी आए हो। ये अपनी बड़बड़ करना बंद करो, मेरे सिंचन को तूने कहाँ छुपा के रखा? जल्दी से बता, अगर मेरे सिंचन को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा सिंचन? अबे ओए, तू हंस क्यों रही है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे सिंचन को तो मैंने अभी अभी ही पानी में फेंक दिया। क्या कहा तूने? मेरे सिंचन को तूने पानी में फेंक दिया? अरे सिंचन, मेरे सिंचन तो ठीक तो है ना? अरे बाप रे मोमो, ये तुमने क्या कर दिया? मोमो तुमने उसे पानी में क्यों फेंका? इस मोमो की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी मोमो को मारने का टाइम नहीं है फ्रैंकलिन, सबसे पहले तुम्हें सिंचन को बचाना होगा। जाओ उसे बचाओ, इस मोमो को हम देख लेंगे। ओके ओके, अच्छा विलन। और सिंचन में आ रहा हूँ तेरी तो, सिंचन मैं तुझे बचा ही लूंगा सिंचन। अरे यार पता नहीं कि मेरा सिंचन कैसा होगा, सिंचन तो ठीक तो है ना? सिंचन मेरे भाई यार, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर सिंचन, मैं तुझे बचा ही लूंगा। उस मोमो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे सिंचन के साथ क्या हल कर दिया। पता नहीं कि मेरा सिंचन कैसा हो गया। सिंचन कहाँ है तू? सिंचन हेलो, कहाँ गया? ये क्या टनल है कोई? अरे बाप रे, कितनी बड़ी सुअर ये तो। अरे सिंचन मेरे भाई, कहाँ है तू? पास तो है ना सिंचन? कहीं सिंचन इस सीवर के साथ भाग करके बाहर तो नहीं निकल गया? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके मेरे सिंचन को ढूंढना ही होगा। सिंचन तेरे फ्रेंकी पे तुझे बचाने के लिए आया। सिंचन यार कहाँ चला गया यार, मुझे मिल भी नहीं रहा। मेरे भाई सिंचन, मुझे सिंचन के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मेरा सिंचन मरना नहीं चाहिए, मेरा सिंचन मरना नहीं चाहिए, मेरा सिंचन मरना नहीं चाहिए। सिंचन यार मेरे भाई, अगर तू मुझे सुन सकते तो फिर जरा आवाज दे। सिंचन सिंचन, फ्रेंकी भैया मैं यहाँ पर हूँ, फ्रेंकी भैया। अरे अरे सर एक मिनट, ये तो सिंचन की आवाज थी। हाँ सिंचन मैं आ चुका हूँ, सिंचन मैं आ गया, सिंचन मैं आ गया। और आगे तो पानी बहुत ही गंदा है, सिंचन तो ठीक तो है ना? मैं मर रहा हूँ फ्रेंकी भैया, ये लोग मुझे मार देंगे। अरे बाप रे क्या, ये तो समंदर आ गया। सिंचन सिंचन मेरे भाई, कहाँ है तू? बाप रे, मैं तो पूरे समंदर में आ गया। आई होप कि मेरा भाई सिंचन ठीक हो। सिंचन यार सिंचन, मैं मर रहा हूँ फ्रेंकी भैया बचाओ। अरे पता नहीं किया सिंचन कहाँ है। सिंचन इसी बात पे एक तीर पे दो शिकार हो गए। क्या इविलन, ये तुम क्या बोल रही हो? सिंचन को इस पानी में फेंक कर तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया मोमो। अरे इविलन, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? लगता है कि इविलन पागल हो चुकी है। मुझे पता था इविलन की आप मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी। मैंने जानबूझकर सिंचन और फ्रैंकलिन से दोस्ती करने का नाटक किया, जिन लोगों की वजह से मुझे हेल में जाना पड़ा। क्या उनसे मैं ऐसे ही दोस्ती कर लूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा इविलन? इसका मतलब तुम कब से नाटक कर रहे
बेटी। ये तुमने ठीक नहीं किया विलन, तुमने धोखा दिया है। अगर मैं इन दोनों के साथ दोस्ती का नाटक नहीं करती तो फिर हम सिंचन और फ्रैंकलिन को कभी नहीं मार पाते। पर मोमो की वजह से ये सपना पूरा हो गया और आखिरकार सिंचन और फ्रैंकलिन को हमने मार ही डाला। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विलन, मुझे लगा था कि तुम अच्छी बन चुकी हो। अभी मैं तुम्हें और इस मोमो को सबको मार डालूंगा। विलन तुमने हमें धोखा देके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, पर तुम हमारी दोस्ती के भी लायक नहीं हो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है पेनीवाइज और ग्रैनी, वापस से घोस्ट कम्युनिटी में आ जाओ, नहीं तो तुम दोनों भी मलोगे। हम इस धोखेबाजों की कम्युनिटी में नहीं आएंगे, हम रिटायर हो चुके हैं और अभी हम बहुत अच्छे बन चुके हैं, हम वापस से घोस्ट कम्युनिटी में नहीं आएंगे। तो जैसे तुम दोनों की मर्जी, अब मरो।